नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कन्हैया कुमार। खबर है बिहार के रोहतास जिले की, जहां अकोढ़ी गोला थाना अंतर्गत लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर हुई नोकझोंक। रोहतास जिले में लॉकडाउन के दौरान भी खुली दुकान को बंद कराने गए अधिकारियों और दुकानदारों में तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान खुली दुकान का फाइन कर लौट रहे वीडियो से हाथापाई भी की गई। वहीं असामाजिक तत्वों ने पुलिस के वाहन पर पथराव कर वाहन के शीशे को भी तोड़ डाले, फिर किसी तरह प्रशासन की टीम जान बचाकर भागी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ये घटना रोहतास के अकोढ़ी गोला इलाके के मुख्य बाजार की है। घटना के बारे में बताया जाता है कि अकोढ़ी गोला वीडियो को सूचना मिली कि लॉकडाउन के बावजूद मुख्य बाजार में शिवम वस्त्रालय नामक दुकान में बंद कर अंदर ग्राहकों को चोरी छिपे दुकानदारों के द्वारा कपड़े की बिक्री की जा रही है। इसी सूचना पर वीडियो दलबल के साथ दुकान पर पहुंचे तो दुकान को खुला पाया और आरोपी दुकान को चेतावनी देने के साथ फाइन भी किया। इस दरमियान लौटने के दौरान दुकानदार व कुछ लोगों ने वीडियो के साथ हाथापाई भी की। वहीं पुलिस वाहन पर पथराव कर पुलिस वाहन के शीशे भी तोड़ डाले, फिर किसी तरह वीडियो और सीओ जान बचाकर वहां से भागे। वीडियो कुंदन कुमार ने बताया कि पहले भी दुकानदार संजय कुमार के द्वारा कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर उनकी दुकान को 48 घंटे के लिए सील किया गया था। इसके बाद भी लगातार उनके खिलाफ शिकायत मिल रही थी। बताया जाता है कि मामले में टीम गठित कर छापेमारी की गई। वहीं पुलिस टीम पर हमले के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीएनपी न्यूज के लिए रोहतास से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। संजय कुमार का जो दुकान है, पब्लिक से लगातार कंप्लेंट रोज मिलता था कि खुल देता है या फिर बंद दुकान के अंदर कई ग्राहकों को बैठा करके मिलता है। इसको हम लोग 26/4 के डेट में हम लोग 48 घंटे के लिए सील भी किए थे और नोटिस भी दिए थे कि आइंदा ऐसी गलती मत कर। आज वो पकड़ा गया, अंदर मजमा लगा के दुकान चला रहा, तो हम लोग उससे फाइन दिए। फाइन ले करके अपना आगे हम लोग बढ़े, आगे बढ़ करके दूसरा दुकान को बंद करा करके अपना हम लोगों को ये सब्जी मंडी को शिफ्ट कराने का हम लोग निर्देश दे करके लौट रहे थे। इसी बीच हाथ दे करके वही लोग दुकान का जो था उनका लोग रोका हम लोगों को। रोका तो हमको डीसी मारा था, डीएम साहब था, तब थोड़ा बहुत डीसी करते हैं तो थोड़ा सा सुनने के लिए हम रुके शीशा खोल गए। वो लोग गेट तुरंत खोल दिया तो हम सोचे कि लगता है ये लोग उग्र है, पीछे थाना ही था तो हम सोचे कि वो लोग थाना अपना देख लेगा, तब तक हम डीसी में चले जाएँ। वो मेरा हाथ पकड़ के खींचने लगा पीछे से, तब तक हम लोग झटके से हाथ छुड़ा करके निकल गए। निकलने के बाद पीछे थाना के गाड़ी को रोका, हम लोग गाड़ी को धीरे धीरे ही चला रहे थे कि देखते हैं पीछे क्या करता है। पता चला पीछे उन लोगों के साथ झगड़ा झंझट किया और शीशा तोड़ दिया। तो फिर हम लोग इधर आए और टीम गठित करके छापेमारी किए, छापेमारी करके दो लोगों को हम लोग गिरफ्तार किया।